हाय गाइस, आज अचानक लाइव आ गए और आते ही सीधा हम बात करने लगेंगे आपके फेवरेट एक्टर्स के ही बात करेंगे, क्योंकि हम सभी को पता है कि ऐसे बहुत सारे फर्स्ट ज्वाइनिंग में चेक कर लेता हूँ कौन कौन ज्वाइनिंग है, क्योंकि जब तक आपका पता आप लाइव नहीं ज्वाइनिंग नहीं होते तो हम बात नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है, तो हम यहाँ फर्स्ट चेक कर लेते क्या क्या है, क्योंकि देखो स्पेशली जो आज हम बात करेंगे वो स्पेशली शोज की बात करेंगे। मुझे पता है ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं फर्स्ट यहाँ कुछ चेक नहीं। देखो एक्चुअली बात यह है कि विक्रम सिंह चौहान और आदित्य शर्मा को लेकर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। स्पेशली कब आदित्य शर्मा का नया शो आएगा, कब विक्रम सिंह चौहान ये करेंगे। स्पेशली देखो हम बात करते हैं हमेशा टेलीविज़न शोज की बात करते हैं और टेलीविज़न शोज की बात कर ज्वाइन होते रहिए, मैं यहाँ चेक करता रह रहा हूँ। स्पेशली जो हमेशा बोलते हो ना भाई, आप अपडेट्स देते रहना। देखो जिस तरह आदित्य मैम ने लगभग से लगभग लास्ट इंटरव्यू में कहा कि सितंबर महीने में उनकी शोज आ रही थी, मतलब वर्किंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो जहाँ तक सोर्सेज की बात करूँ, वेब सीरीज की बात हुई है, ठीक है। तो वेब सीरीज में अभी तक जो सितंबर महीने की शूटिंग हुआ, तो मुझे लगता है कि सितंबर में शूट होगा, जल्दी हो सकती है। उन्होंने एक बताया सितंबर महीने से स्टार्ट होगा, नहीं तो अगर इस पैंडमिक के कारण, ठीक है, तो ये पैंडमिक ही सबसे बड़ी इशूज़ है। अगर ये पैंडमिक सही होता, अगर सब ठीक रहा, तो शायद जल्दी हो जाएगा। अगर जल्दी हो जाएगा तो आदित्य मैम को बहुत ही जल्द देख सकते हैं। और जिस तरह डिमांड्स है, उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड्स टेलीविज़न में हमेशा रहेगा, क्योंकि टेलीविज़न एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे लंबा चीज़ चलती है। देखो हम एक सिंपल सी बात है, आपको 1000 चॉकलेट्स मिल जाएगा, बोलेगा आपको आपके मन में, जैसा आगे क्या था, 1 GB कंप्लीट करने में आपको 1.5 महीना का 1 GB नेट खर्चा करते थे आप सब। 1 GB कितना आपको लगता था खर्चा, याद है? 300-400 रुपये लग जाता था एक महीना का। अभी 300 रिचार्ज करते हो, पर डे 1.5 GB खर्चा करते हो, आपके मूड के ऊपर है कि का आप जितना चाहे। सेम टेलीविज़न की बात करूँ तो वेब सीरीज में क्या था, अगर आपको एक ही पैंडमिक एक पार्ट हो गया, मतलब मान लो 10 एपिसोड हो गया, 12 एपिसोड हो गया, बात ख़त्म, और उसको एक बार में लॉन्च कर दिया जा रहा है, मतलब एक दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो, 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। टेलीविज़न में वो नहीं होता है, पर डे हम उनको देखते हैं, जो यही फैंस भी चाहते हैं। फैंस चाहते हैं कि विक्रम और आदित्य के ऐसे एक शोज हो जो लंबा चले। देखो 36 महीना की बात करूँ, 11 एपिसोड हुआ है विक्रम का, लगभग 3 या 4 एपिसोड होगा, 20 एपिसोड तो नहीं है ना। देखो अगर मैं बात करूँ अभी सबसे लंबा OTT प्लेटफॉर्म शोज की बात करूँ, तो अभी इश्क में मर्जावा 2 चल रही है, उसके साथ साथ एक और एक शो था सोनी टीवी का, जो सोनी लाइव में ट्रांसफर हुआ, एक दूजे के वास्ते 2, वो अभी एक लंबा सोच थी। उस तरह हम चाहते कि OTT प्लेटफॉर्म में अगर हो भी रहे हैं तो लंबा हो, ठीक है। ओ गुप्ता जी, हेलो, कैसे हैं आप? ठीक है, तो मैं यह चेक करता रह रहा हूँ क्या क्या क्वेश्चन है, यह एक कारण है, ठीक है। तो यही एक जिस तरह लास्ट अपडेट्स की बात करूँ, इंटरव्यूज की बात करूँ, तो अभी तक तो एक दूजे के वास्ते के 2 एक्टर्स का इंटरव्यू प्लान चल रही है, और शायद ये जादू जिनके कुछ टीम मेंबर्स रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस थे, उनकी इंटरव्यू के प्लान कर रहे हैं। अगर सब सही रहा तो शायद इस महीने के लास्ट तक इंटरव्यू आ जाएगा नया, ठीक है। तो सिर्फ ये नहीं, अब देखो अगर मैं बात करूँ स्टार प्लस की शो मेहंदी है रश्मि वाले, गुमे किसी के प्यार में, पांड्या स्टोर, शायद स्टार प्लस की मैक्सिमम शो, 2 शो को हम छोड़ के शायद आपको शेयर करते हैं कि यह रिश्ता क्या कहलाता है और यह चाहते, ये 2 है और साथ निभाना साथी है, ये 300 छोड़ के आपको हर एक शो आपको मिलती है, यहाँ तक तो पर डेज की भी बात होती है। तो अब समझ में आपको आता होगा कि एक वीडियोस बनाना उसमें कितना मेहनत लगती है, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा ऑडियंस है जो पूछते हैं भाई अब विक्रम के बारे में बता दो, अपडेट्स आएंगे तब ना बताएंगे, ऐसे तो नहीं हम आपको बात घुमा घुमा के बात करेंगे। वैसे क्या है ना कि रिसेंटली अगर मैं बात करूँ, लगभग से 1 महीने से एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जिस तरह रीच या जो रिस्पांस आनी चाहिए तो वो रिस्पांस नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मेरे पास जो पॉइंट आ रही है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चाहते तो हम वीक में एक वीडियो डाल के बात ख़त्म कर देते, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि आप जिस तरह विक्रम आदित्य को सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो, उसकी अपडेट जानना ही आपको इम्पोर्टेंस है, इसलिए मैं आपको हर चीज़ शेयर करता हूँ, बात यह है, ठीक है। नेक्स्ट ज्वाइनिंग जो जो ज्वाइन कर रहे हो, और इसीलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं आपको विक्रम को लेकर और आदित्य की हर एक शो। अब देख लो कलीरे की बात करूँ, ये जादू जिन की बात करूँ, एक दूजे के वास्ते के बाद एक दीवाना था की बात करूँ,
ऐसे बहुत सारा शोज है यार जो हम अभी OTT प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा देख रहे हैं। स्पेशली विक्रमादित्य की जो फैंस है, मतलब अद्वितीय के फैंस है, वो हमेशा चाहते हैं कि वो जल्दी एक्टिव हो जाए। और सच बोलूँ ना, मुझे 3600 में ना बहुत सारे ऑडियंस कमेंट कर रहे थे कि वीडियो शोज अच्छी नहीं है। मुझे कैसे लगा यार, 3600 में एक इतना अच्छा शोज है, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा? डिपेंड करता है लोग के ऊपर वो शो आपको लिमिट में ले पाते हो कि नहीं, क्योंकि शो बहुत अच्छा है। 3600 महीना की बात करो तो दो चीज उसमें पॉइंट है, एक है लोग की सोच वो सामने आ रही है, और स्टोरी लाइन श्रद्धा मैम की क्या डायरेक्शन है, मजा आ गया मुझे ये देख के। ऐसे ही बनाई है ये जादू जिनका कब तक आ जाएगा, कब आ सकता है? देखो अगर मैं आ सकता है तो हम बोलेंगे, अक्टूबर नवंबर बोल सकते हैं, लेकिन जब तक मेकर्स का मतलब स्टार प्लस हो या गुलखान मैम हो, जब तक वहाँ से कुछ अनाउंसमेंट नहीं ना आ रहा है हम नहीं बता पा रहे। क्योंकि आपको देखो, जिससे इस पैंडमिक हुआ ना, इस पैंडमिक के कारण बहुत सारी चीज़ें लॉस हो गई है। आपको पता होगा लगभग से लगभग मुंबई लगभग 2020 में, मतलब 30 मार्च से लेके आज तक लगभग से लगभग 10 बार से 15 बार मतलब लॉकडाउन हुआ है। बहुत बहुत बड़ा बड़ा सीरियल इधर से उधर हो गया, तो लॉस में तो गए हैं ना। अब उसको मेंटेन करना टाइम लगेगा। आप इमली देख लो, इस शो का क्या नाम है, अरे इश्क में मरजावा हो जाए, इश्क में जोड़ नहीं है, तीनों शो गुलखान मैम का, तीनों शो में उनको लोकेशन चेंज करना पड़ा, वो भी देखना पड़ेगा ना, लॉसेस तो होगी। ठीक है दीपिका, हेलो दीपिका जी, हाउ आई एम फाइन एंड हाउ आर यू। नेक्स्ट वो इम्तियाज भाई ज्वाइनिंग, इतिहास कैसा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन शेख, हेलो शेख भाई कैसे हो? अच्छा बहुत सारे कमेंट्स आ रही थी। ठीक है, ये जो यही एक रीज़न है जो हम आपको अपडेट्स के साथ साथ बात करते हैं। अब देख लो, जिस तरह बहुत ऐसे ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब OTT न्यूज़ चैनल है, जो आपको ऐसा न्यूज़ बताती है कि ये जादू जिनका शूटिंग स्टार्ट हो गया। कहाँ से भाई, मेकर्स ना एक्टर ना कोई नहीं, आपके आपको पता चल गया शूटिंग स्टार्ट हो गया कहाँ? कुछ भी, मतलब कुछ भी। और क्या क्वेश्चन है दोस्त, आपसे पूछते रहो, मैं उनका आंसर देता रहो, क्योंकि मुझे लगता है आपकी हर एक क्वेश्चन का आंसर देना इम्पोर्टेंस है। क्योंकि बहुत दिन ऐसा हो गया कि लाइव नहीं आ रहा हो, तो मुझे लगा एक लाइव वीडियोस करना चाहिए, चैट करना चाहिए, वो शेयर करते हैं। पूछ लो भाई पूछ लो। और हाँ, जो वीडियोस देख रहे हैं मुझे बता दो ये वॉइस क्लियर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता, मुझे लग रहा है वॉइस के कुछ इश्यूज हो रही है। फिर भी लगता है जो जो मुझे पॉइंट बताना था आई थिंक बोल दिए हैं। ठीक है, और कौन है, हाय क्या नाम है, इशरत, हेलो इशरत जी, वॉइस आ रही है? बता दीजिएगा वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं, कि मुझे थोड़ा मुझे लग रहा है कि इश्यूज हो रही है। फिर भी हाउ आर यू सर, आई एम फाइन डियर, हाउ आर यू। ठीक है, कि इसलिए मैं पूछ ले रहा हूँ कि आपसे कि वॉइस इश्यूज ठीक हो रहा है कि नहीं, क्योंकि और जितने फैंस है विक्रमादित्य को उसको लेके तो मैं हमेशा बात किया हूँ और करता रहूँगा यार। मुझे नहीं पता, कुछ दिनों से इस पर बहुत कम रीच आ रही, जो एक आता था ना कि हाँ एक व्यूज रिस्पॉन्स आ रही है, वो खत्म हो गया। पांडे, हेलो पांडे भाई, योर वॉइस इज क्लियर, ओके चलिए सही है, क्योंकि वॉइस को लेके मुझे कुछ इशूज हो रही थी, मुझे लग रहा था कि नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो और ये विक्रम की हर एक बात हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आगे देखो, स्पेशली बात क्या है ना, जो अद्वितीय फैंस हैं वो हमेशा चाहते हैं कि विक्रम आदित्य एक साथ काम करें, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन देखो 3600 महीना में अलग स्टोरी लाइन, एक्ट्रेस अलग है, तो फैंस बोल रहे कि भाई शो मुझे पसंद नहीं, या आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है उसमें आदित्य मैम नहीं है, इसलिए अगर मानो यही स्टोरी लाइन होता और आदित्य होता, आप बोलते कि यह शो खराब है? नहीं बोलते, वो डिपेंड करता है। और सच बात कहूँ तो यह शो बहुत अच्छा है, अब देखो एक बार दो चार एपिसोड देखो, मजा आ जाएगा। ठीक है फाइन, और 3600 में ना शो मुझे देखना, इसलिए लगभग देखो अभी तक 11 एपिसोड कंप्लीट हो गया, मैं लगभग दो दो बार देखता हूँ दिन में, क्योंकि शो मुझे इतना अच्छा लगता है, क्योंकि स्टोरी लाइन इतना अच्छा है ना, मजा आता है। और 3600 का जो कैरेक्टर है विक्रम की, पूरी कैरेक्टर पूरा, मतलब क्या बोल सकते हैं,
हम कभी सोचे नहीं थे कि विक्रम इतना अजीब रोल करेंगे, क्योंकि सीरियल में हम उनको जो रोल देखते हैं जेंटलमैन वाले, उसमें जेंटलमैन वाला नहीं मतलब छपड़ी वाला रोल है और फैंस पसंद भी कर रहे हैं। मुझे विक्रम की हर एक रोल इसलिए पसंद है क्योंकि जिस रोल में वो अपने काम करते हैं पूरा 100% देते हैं, इसीलिए उनकी सोच का एक अलग ही लेवल बन के रखा है। बहुत बढ़िया है छत्तीसगढ़ में ना, मज़ा आ रहा है यार आज के एपिसोड तो मुझे और मज़ा आ गया। क्या बोला पता है ना, छत्तीस शादी के लिए बात किया है, रिसेंटली तो शादी हो गया है। यही बात थी जो 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 बात मुझे करना था, आई थिंक जो जो स्ट्रीमिंग में लाइव आए थे बोल दिए होंगे। ठीक है दोस्त, और कोई भी क्वेश्चन करना थी, वीडियोस तो यूट्यूब में अपलोड हो ही रही है, शेयर कर देंगे वहाँ, कोई भी क्वेश्चन आप वहाँ कॉमेंट कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।